स्मैक तस्करों को बेचने से मना करने पर एक दंपति को लाठी डंडों से पीटा। पीड़ित को जान से मारने की दी धमकी। पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। यूपी बुलेटिन लाइव बेहद से विशेष संवाददाता अरविंद गोयल की रिपोर्ट। बेहद सहारनपुर, स्मैक तस्करों ने पड़ोसियों से मारपीट गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित व्यक्ति ने मिर्जापुर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर देकर स्मैक बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। बुधवार को ग्राम मिर्जापुर पॉल निवासी फारूक पुत्र यूसुफ ने मिर्जापुर कोतवाली पहुंचकर कोतवाली इंस्पेक्टर हृदय नारायण सिंह को तहरीर देते हुए पड़ोस के चार लोगों पर स्मैक बेचने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि जो लोग स्मैक का अवैध धंधा कर रहे हैं उन्हें स्मैक बेचने से मना किया तो उन्होंने पीड़ित पक्ष के साथ गाली गलौज व मारपीट की है। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि बाहरी लोग बाइकों पर आते हैं और उनके घर के आगे अपनी बाइक खड़ी कर देते हैं। मना करने पर स्मैक बेचने वाले परिवार के लोगों के साथ मारपीट व गाली गलौज करते हैं। एक दिन पूर्व यानी मंगलवार को भी स्मैक बेचने वालों ने मेरे व मेरे परिवार के साथ गाली गलौज व मारपीट की है और जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित ने स्मैक बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। बेहद प्रभारी अरविंद गोयल की रिपोर्ट। क्या हुआ है तुम्हारे साथ में? इसमें बेचे जी कौन? अरे वहाँ का आईडियो की लाइन है कटी हुई थी। इसमें नाम क्या है उसका? उसका नाम है सबीर का है, हफीज है, हसीब है, हसीन है और हुआ? वसीम है जी। पाप का नाम सबीर है जी। फिर हुआ क्या? 90-70 थोड़ा तो घुमाओ, हल्का सा बस। और कहा है चोट?